नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम सितंबर 9 में कट ऑफ मार्क का एनालिसिस करने वाले हैं, और इसको एनालिसिस पिछले वाले एग्जाम में सितंबर 9 में जो पेपर आया था वो 150 नंबर का था। ठीक, अब इस बार जो पेपर आ रहा है 120 नंबर का आ रहा है, 40 नॉन टेक 80 टेक्निकल। तो इसका एनालिसिस करके तो बहुत लोगों ने बता दिया है, लेकिन हमको 150 में बताया गया है, 150 में बताया गया कि मेरा कितना नंबर, सॉरी उन लोगों कितना नंबर कट ऑफ गई थी। लेकिन अब हमको ये जानना है कि 120 में अगर ये पेपर होता तो कितना नंबर होता, हमको कितना नंबर लाना है कि 120 में हम क्वालिफाई हो जाएं। तो अगर हम सितंबर 9 के अकॉर्डिंग देखें तो क्या नंबर्स हमको लाने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ सारी चीज़ें लिख दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पे लग गया होगा कि किस ट्रेड में कितना कट ऑफ गया था। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में देखेंगे कि ऑटोमोबाइल वाले बच्चों को अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी है वो 80 नंबर गया था। ठीक, ओबीसी 78 किसका, ऑटोमोबाइल, एससी 73 और एसटी का कोई पोस्ट ही नहीं था। ठीक, अब कोपा वालों को देखो कि अनरिजर्व 78, ओबीसी 73, एससी 75 और एसटी 68। इलेक्ट्रीशियन का देखते हैं अनरिजर्व 108 और ओबीसी का 106.5 और एससी का 102.34 और एसटी का 96, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रीशियन का ही गया था। फिटर का देखते हैं कि 93 पॉइंट, अनरिजर्व का 93.39 और ओबीसी का 90.67, एससी का 87.64 और एसटी का 83.08। तो अब देखते हैं कि भैया हम ये लाल लाल का लिखे हैं, रेड मार्कर से क्या लिखा है। एक्चुअली रेड मार्कर से लिखा है कि 108.6 में कितना परसेंट 150 पाए हैं, तो 72.4% इनका नंबर गया है। मतलब अगर हम 120 में 72.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या है नंबर, जो है हमारा जो नंबर है 120 नंबर में, ये इलेक्ट्रीशियन वाला लड़का कितना इस बार पाए कि वो क्वालिफाई हो जाए। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, ये 720 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 86.88 किसका, जनरल का। अगर ओबीसी का देखेंगे कि 71% गया है, 71 का हम 120 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में है ना। तो ये कितना है, कितना नंबर चाहिए इस बार 120 में अगर पेपर होगा तो 85.5। अगर आगे देखेंगे एसटी का 68.2 × 120 मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 81 नंबर, किसका चाहिए, एससी का 81.8 लगभग 89 और एसटी को इतना चाहिए 64% है। तो 64 में 120 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि हमारा कितना नंबर आएगा, ये आएगा 76.8। ये हो गया इलेक्ट्रीशियन का। इसी तरह हम फिटर का भी एनालिसिस कर देते हैं कि भैया कि हमारा इस बार अगर 120 में पेपर हो रहा है तो हम कितना नंबर पाएंगे कि क्वालिफाई हो जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग पिछले, क्योंकि अब कंपटीशन टफ हो गया तो इससे ज़्यादा नंबर लाना है। तो इसलिए आप लोग फ्रस्ट्रेट मत होइए, आराम से पढ़ाई करिए। देखिए कितना 62.26 पॉइंट, मतलब 100 नंबर का पेपर होता तो 62 नंबर पाया जाता तो फिटर में हमारा सिलेक्शन हो जाता। इसका मतलब कि आप लोग ज़्यादा बर्डन ना लीजिए, मतलब कि कितने 28 नंबर्स का मार्जिन है। तो देखिए हम इस बार कितना 62.26 में अगर 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 120 में कितना पाना है, हमको आ जाएगा ये पाना है 74.7 नंबर पाना है। ठीक, किसको, जनरल को। अगर ओबीसी का देखते हैं तो 60.4 × 120 = 72.8, मतलब 74 नंबर लाने हैं, किसका, अनरिजर्व को। ओबीसी कितना लाने हैं, 72.8 नंबर लाने इस बार सिलेक्शन के लिए 120 क्वेश्चन में। टारगेट रखिए 80 के अबव कर पाए। एसटी का भी देख लेते हैं, 55.7 है और 120 करते हैं तो आता है
66.8, मतलब हमको इतना पाना है किसके लिए, क्वालिफाई होने के लिए, किसके अकॉर्डिंग, सितंबर 9 के अकॉर्डिंग। ध्यान सुनिए, हम बता रहे सितंबर 9 2019 में हुआ था, तो अभी सितंबर 10 होने वाला है, इसमें कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब हमको 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर लें उसी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो 120 में 80 के अब आप रखिए, मतलब 90 प्लस ही रखिए, तो हम एकदम सेफ रहेंगे। जनरल ओबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक। अब इसके आगे मशीनिस्ट के कितना गया था, 101.68, कितने 150 में 90 पॉइंट किसका, जनरल का। ओबीसी का गया था 95.64, 99.66, एससी का 94.63, एसटी का, टर्नर का कितना 95, 91, 89, देख लीजिए स्क्रीन पर दिख रहा है। वेल्डर का 103.7, 98.66, ओबीसी का, एससी का 95.64 और एसटी का 83.56 और मशीनिस्ट का 97, 93, बाकी इसमें वैकेंसी नहीं थी एससी एसटी में। ड्राफ्ट मैन मैकेनिकल का 87, अनरिजर्व 84, ओबीसी और 78, एससी 64, एसटी। जैसा एनालिसिस किए हैं, परसेंटेज निकाल के आप किसी भी ट्रेड का इस बार 120 में कितना नंबर पाना है वो निकल आएगा। पिछला पेपर 150 में था, और ध्यान दीजिए पेपर माइनस मार्किंग में नहीं है, ठीक। तो इसलिए ध्यान से पूरा पेपर करिएगा और प्रिसाइज तरीके से अटेंड करिएगा। और ये हुआ एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसकी जानकारी हमने काफ़ी डीपली बता दिया है कि किसको कितना नंबर पाना है। धन्यवाद।